एक किस्सा है दो दोस्तों का, प्रवीण और संदीप। दोनों दोस्त रामपुर से पढ़ाई करने के लिए शहर जाते हैं। दोनों दोस्त शहर पहुंचकर सीधा कॉलेज जाते हैं। शाम तक उनका दाखिला भी हो जाता है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल में एक भी कमरा खाली नहीं होता। यही बात करते करते वो दोनों एक चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। यार दाखिला तो मिल गया, बस अब रहने की जगह मिल जाए। हाँ यार, यहाँ तो हॉस्टल में एक भी कमरा खाली नहीं है, क्या करें? उनकी बात चाय वाला सुन रहा होता है। वो उनसे कहता है, देखो रहने की जगह तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हाँ जी बता दीजिए। चाय वाला उन्हें एक हॉस्टल का पता बता देता है। दोनों दोस्त हॉस्टल पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक कमरा भी मिल जाता है, लेकिन उनके कमरे के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान होता है। यार ये तो कब्रिस्तान के बिल्कुल पास है, हमारे अलावा हॉस्टल में दो या तीन लोग ही सिर्फ रहते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे भाई? अरे यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम होता है। तभी अचानक तेज हवा से कमरे की खिड़की खुल जाती है। संदीप खिड़की बंद करने जाता है तो अचानक डर जाता है। वहाँ एक काला कबूतर बैठा होता है जो उड़कर कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। संदीप और प्रवीण खिड़की बंद करके सो जाते हैं। उसी रात लगभग 3 बजे रात में प्रवीण अचानक जाग जाता है। वापस सोते वक्त उसे खिड़की से कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उस चमकती चीज को देखने के लिए हॉस्टल से बाहर चला जाता है और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो चीज कब्रिस्तान की तरफ दिख रही थी। थोड़ी देर में वो चमकती चीज के भ्रम में कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। अचानक चमकती हुई चीज दिखना बंद हो जाती है। वो रुकता है और इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ कब्र ही कब्र दिखाई देते हैं। वो इतना डर जाता है कि उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी उसको पीछे पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो डर कर पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गलती से यहाँ आ गया। प्रवीण वापस जाने लगता है तो वो लड़की कहती है, पीछे के रास्ते से चले जाओ, आगे वाला गेट तो बंद हो गया है, आओ मैं ले चलती हूँ। तब वो लड़की प्रवीण को अपने पीछे चलने के लिए बोलती है और प्रवीण उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ता है। और थोड़ा आगे चलकर लड़की एक पेड़ के पास जाकर रुक जाती है और अचानक गायब हो जाती है। प्रवीण डर जाता है। तभी उसे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ती है। प्रवीण अचानक पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसे वहाँ भयानक चेहरे वाली चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर प्रवीण भागने लगता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ों के गिरे हुए पत्ते उड़ने लगते हैं। प्रवीण को कुछ दिखाई नहीं देता, वो एक कब्र के पीछे छुप जाता है। तभी एक आवाज आती है, नहीं बचेगा कोई भी, नहीं बचेगा। बहुत ही भयानक हंसी के साथ प्रवीण जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, चुड़ैल प्रवीण को अपने वश में कर लेती है। तभी संदीप जाग जाता है। प्रवीण उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देता। तब संदीप उसे ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही होती है। हॉस्टल का वार्डन भी संदीप के साथ प्रवीण को ढूंढने में उसकी मदद करता है। दोनों को वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये प्रवीण के पैरों के निशान हो सकते हैं। वो दोनों उनके पीछे जाते हैं। वो निशान कब्रिस्तान के गेट पर आकर खत्म हो जाते हैं। ये कब्रिस्तान तो बहुत समय से बंद पड़ा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ कोई चुड़ैल रहती है और जो भी रात को इस कब्रिस्तान के अंदर जाता है वह उसे कभी वापस नहीं आने देती। तभी अचानक चिल्लाने की आवाज आती है। फिर दोनों कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। ये तो प्रवीण की आवाज है। दोनों भागते हुए प्रवीण को ढूंढने लगते हैं। इतने में प्रवीण एक पेड़ के पास दिखाई देता है।
और दोनों उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन दोनों को रोकते हुए वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम जाकर परवीन को देखो, इस चुड़ैल को मैं रोक कर रखता हूँ। संदीप जल्दी से भागकर प्रवीण को उठाता है। उठो परवीन, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? अचानक प्रवीण की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, पूरी आंखें सफेद हो जाती है। वो संदीप का हाथ पकड़ लेता है। संदीप बहुत डर जाता है, वो जोर से चिल्लाता है। तभी वार्डन संदीप की तरफ भागता है, लेकिन वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से वार्डन को गिरा देती है। तभी अचानक तेज हवाएं चलती हैं, कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। संदीप बहुत डर जाता है। वार्डन संदीप के पास पहुंचता है और उसकी तरफ एक धागा फेंकता है। ये धागा परवीन की कलाई पर बांधो। तभी वो चुड़ैल एक पेड़ को वार्डन पर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वार्डन बच जाता है। संदीप प्रवीण की कलाई पर वो धागा बांधने की कोशिश करता है, तो प्रवीण उसके कलाई पर दांत काट लेता है। फिर भी संदीप कैसे भी करके धागा बांध देता है। धागा बांधते ही प्रवीण के शरीर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसका शरीर अकड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसको अचानक होश आ जाता है और तभी वो तीनों गेट की तरफ भागते हैं। वो चुड़ैल भी उनके पीछे भागती है। तीनों कैसे भी करके बाहर निकल जाते हैं और भागते भागते सीधा अपने हॉस्टल में जाकर रुकते हैं। उसके बाद से कोई भी उस कब्रिस्तान में जाने की गलती नहीं करता। तब से प्रवीण के मन में बुरी शक्तियों का डर बैठ जाता है। वो सबको बताता है कि अच्छी चीजों के साथ बुरी शक्तियां भी होती हैं। गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। गांव वालों ने बच्चों के लिए उस पीपल के पेड़ से एक झूला लटका दिया था। बच्चे रोज शाम को यहाँ झूला झूलने आते, खेल कूद कर घर चले जाते। एक दिन बच्चे शाम को झूला झूल कर खेल कूद कर घर चले गए तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। साथ में कड़ाके की बिजली का चमकना और बादलों का भीषण गरजना तो साथ में था ही था। ये बारिश का तांडव पूरी रात चला। सुबह जाकर बारिश थम गई तो लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा पेड़ से लटका उस झूले के एक तरफ की रस्सी बीच से उखड़ गई है और झूला एक तरफ लटका टूटा पड़ा है। अरे, पीपल के पेड़ की कोई टहनी नहीं टूटी, मगर इस झूले की रस्सी कैसे उतर गई भला? रस्सी कमजोर हो गई होगी, हम सब गांव वाले इसे बनवा देते हैं, नहीं तो बच्चे झूलेंगे कहाँ। गांव वाले उस झूले की मरम्मत करवाने लगे, लेकिन अजीब बात ये हो रही थी कि झूला मरम्मत ही नहीं हो पा रहा था। जितनी बार भी मरम्मत होती झूले की रस्सी टूट जाती। हार कर गांव वालों ने गांव के दूसरी तरफ बच्चों के लिए एक नया झूला आम के पेड़ में डाल दिया और इस वाले झूले को उसकी हालत पर ही छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद फिर से घमासान बारिश होने लगी थी। नंदू दूसरे गांव से वापस आ रहा था, जिसका रास्ता उस पीपल के पेड़ के पास से था। उसने देखा झूला ठीक होकर जोर से झूल रहा है। एक बिजली कड़की उसने उसके प्रकाश में देखा कि झूले पर एक औरत मस्त होकर बैठी थी झूले पर और झूल रही थी। नंदू डर के मारे गांव भागकर आया और लोगों से बोला, अरे अभी अभी मैंने टूटे झूले पर एक औरत को झूलते हुए देखा है। भाई चलो भाई, चलकर देखते हैं इतनी बारिश में कौन झूल सकती है। लेकिन जब सब देखने आए तो देखते हैं झूला पहले की तरह टूटा पड़ा है। सब लौट आए, लेकिन तब से एक बात होने लगी, लोगों के कानों में झूला झूलने की आवाज आने लगी। रात में कोई अकेला आदमी निकल जाए तो उसे वो औरत झूले पर झूलती दिखती।
अब लोग उधर से जाने से डरने लगे। वो भूतिया झूला हो चुका था। नंदू का लड़का विमेश शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। इस बार की छुट्टियों में जब वो घर आया तो उसके साथ उसके शहर का दोस्त तनिष साथ में आया, क्योंकि उसे गांव देखना था। दोनों दोस्त घूमते घूमते टूटे झूले के पास पहुंचे। विमेश, कितनी अच्छी जगह पर पेड़ से झूला लटका हुआ है लेकिन टूटा है, तुम लोग मरम्मत क्यों नहीं करवाते हो? ये भूतिया झूला है, इसकी मरम्मत हो ही नहीं पाती। रात में एक औरत इस पर झूलती दिखती है। क्या यार, तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो और इन बातों पर विश्वास करते हो? मैं अभी ये झूला ठीक करके दिखाता हूँ। तनिष ने रस्सी मंगवाई और उसके हाथों से सचमुच झूले की मरम्मत हो गई। रस्सी उधड़ी नहीं। देखो, मरम्मत कर दी मैंने, अब झूल कर भी दिखाता हूँ। वो झूले पर बैठा झूलने लगा। झूलते झूलते उसकी आंखें चौड़ी होते जा रही थी। उसकी ये हालत देख विमेश बोला, अब उतर जा तू तनिष, झूले से तेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरी माँ आई हुई है, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तेरी माँ तो शहर में है। नहीं, मेरी माँ यही है। विमेश भागकर अपने माँ बाप को बुलाकर लाया। उनके साथ कई गांव वाले भी आ गए। वो आकर देखते हैं कि तनिष उस औरत के साथ झूला झूल रहा है, जिस औरत को बारिश के रातों में लोगों को झूला झूलते दिखती है। मैं भटकती आत्मा की चुड़ैल हूँ। एक गांव में मेरा एक घर था, वहाँ लुटेरों ने हमला करके मुझे और मेरे पति को मार डाला। फिर मेरे बेटे को जो बाहर झूला झूल रहा था, उसे भी झूले की रस्सी काट कर मार डाला। तब से मैं चुड़ैल बनी अपने बेटे की चाह में भटक रही हूँ। मुझे पता चल गया था मेरा बेटा, जो इस जन्म का तनिष है, यहाँ झूला झूले आएगा। तब से यही रुक गई हूँ, मैं तनिष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, ओ माँ। माँ के पुकार की आवाज को सुनते ही उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर में वो औरत हवा में घुलने लगी और धुआं सा बनकर आसमान की तरफ जाने लगी। लोग समझ गए कि भटकती चुड़ैल को माँ की पुकार सुनकर मुक्ति मिल गई। लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे।